हरे कृष्णा, वेलकम टू हॉलिस्टिक नेचर क्योर एंड योगा रिसर्च फाउंडेशन। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अ चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट। आज हम बनाने वाले हैं ब्रोकली वेजिटेबल राइस। इसके लिए मैंने लिया है ब्रोकली, मैंने इसको काटा है इसकी डंठल के साथ, स्टेम के साथ। नॉर्मल राइस लिया है मैंने, कैप्सिकम कट इन लॉन्ग स्ट्राइप्स, कैरेट, कैबेज, चिली कट इन लॉन्ग स्ट्राइप, सिनेमन पाउडर एंड ब्लैक पेपर। सॉल्ट हम यूज़ करेंगे एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और मसाले में हम यूज़ करेंगे तेजपत्ता, लौंग, इलायची और सिनेमन स्टिक। मैंने एक स्टील की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने जीरा डाला है और जीरा ड्राई रोस्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं ड्राई रोस्ट हो रहा है जीरा। अब मैंने इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और तेजपत्ता डाल दिया है और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। अब मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्ची डाली है। अब मैंने इसमें चावल और कटी हुई वेजिटेबल्स डाल दिए और हम इसको 2 to 3 मिनट ऐसे ही लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब मैंने इसमें रॉक सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सिनेमन पाउडर डाल दिया। अब मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया और 2 to 5 मिनट इसको ऐसे ही लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा ऐसे हम कुक करेंगे। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसको इस तरह ढक देंगे और स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। राइस कुक हो चुका है हमारा, आप देख सकते हैं। अब देखिए ये कहीं भी चिपका नहीं है, मैंने कोई इसमें घी नहीं यूज़ किया है, कोई ऑयल नहीं यूज़ किया है। हमारा राइस रेडी है। अब मैंने इसमें ऊपर से घी डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने कुकिंग के टाइम पे कोई घी यूज़ नहीं किया था, कोई ऑयल यूज़ नहीं किया था। और जब राइस हमारा रेडी हो गया तो हमने इसमें ऊपर से घी डाला है। इस तरह हमारा घी जो है वो बहुत हेल्दी है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने हमेशा अपने वीडियो में बार बार बताया है कि अगर हम घी कुकिंग के टाइम पर यूज़ करते हैं वो तो एसिडिक हो जाता है। अगर आप घी बाद में डालते हैं तो वो आपका टेस्ट और एनहांस करता है। वेजिटेबल्स भी हमने इसमें काफ़ी यूज़ की है, ब्रोकली यूज़ किया है, कैबेज यूज़ किया है, कैरेट यूज़ किया है, कैप्सिकम यूज़ किया है और मसाले इसमें भी हमने सारे टाइप के मसाले इसमें यूज़ किए हैं। मसाला तेज़पत्ता यूज़ किया है, लौंग, इलायची, हमने सिनेमन पाउडर और सिनेमन स्टिक दोनों यूज़ किया है। सिनेमन पाउडर एक ब्लड थिनर है, अगर आप राइस खाते हैं तो इस तरह आप इसमें वेजिटेबल्स डालिए, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स डालिए, वर्कआउट करिए और अपने राइस को हेल्दी और टेस्टी बनाइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रेसिपी शेयर करिए, जैसे और भी लोग ऐसे हेल्दी और टेस्टी चीज़ खाएँ, हेल्दी रहें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। हम हमारे कोर्स में बताते हैं कि कैसे नेचुरल तरीके से खाने पीने, नेचुरल तरीके से लाइफस्टाइल से और डिजीज़ को कैसे मैनेज करके आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हम इन डिटेल आपको बताते हैं कि कैसे डिजीज़ को मैनेज करना है, वेरियस थेरेपीज़ बताते हैं, नेचुरल थेरेपी बताते हैं, ईटिंग हैबिट्स बताते हैं और भी बहुत सारी इन डिटेल्स आपको चीज़ें हमारे कोर्स में पता चलती हैं। तो अगर आपने हमारे कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन करिए, बहुत कुछ इसमें से सीखिए, अपने को स्वस्थ रखिए और अपनी पूरी फैमिली, रिलेटिव्स और सोसाइटी को स्वस्थ और हेल्दी रखिए। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीबडी कैन लीड अ हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, विल कम अप विद सम न्यू रेसिपी।